हेलो, नमस्ते। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.5 में आप लोगों का तीन क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग तीनों क्वेश्चंस आज देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों की एक्सरसाइज का, उस टाइप का उस वो तो मैं आपको, मतलब जब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने तब से आप लोगों को ये बात बताई हुई है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लेते हैं। तो ये चीज़ तो मैं कितने लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अब तक आप लोगों को ये बात पता भी चल गई है। इसमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि इसमें ये कहा गया है कि 6 × 10 क्या होगा, ठीक है? ये कहा गया है कि 367 × 100 क्या होगा। इस तरह से तीसरा कहा गया है 993 × 1000 क्या होगा। तो मैंने आपको बताओ बच्चों, ये बात पहले नहीं बताई हुई है क्या, कि कोई भी नंबर है, उस नंबर को अगर हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, होता है जिसके वंस प्लेस पे, एटलीस्ट वंस प्लेस पे जिसके जीरो हो, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि जैसे 10 है, 10 के वंस प्लेस पे क्या है, ये वंस प्लेस है तो इस पे जीरो है, तो हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लिख के हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर है उसको वैसे का वैसे ही लिख देते हैं और उसके आगे उतना जीरो लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर आपको 60 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो आपको करना क्या है कि जीरो भूल जाना है, 6 × 4 = 24 करना है और दो जीरो लगा देने हैं। ये चीज़ मैंने आपको बहुत टाइम से पहले ही भी बताई हुई है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 1 है, तो अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है? तो किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो इसमें भी अगर आपको वही लॉजिक लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 6 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो आपको लॉजिक वही लगाना है कि सारे के सारे जीरो जो है उसे भूल जाओ, ठीक है? उसे भूल जाओ, बचा क्या 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 6 आएगा, और उसके बाद जितने जीरो बचे थे आप उतने जीरो वापस लगा दो। तो कोई भी नंबर है जो 100,000 है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि सेम, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेम टू सेम वही नंबर आपको लिख देना है। क्यों वही नंबर लिख देना है? क्योंकि 367 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही आ जाएगा, 993 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही 993 आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी जीरो हैं उतना जीरो आप काउंट करो और उतने जीरो आप उस नंबर के आगे लगा दो। तो दो जीरो हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने दो जीरो लगा दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीन जीरो हैं तो आपने यहाँ पे तीन जीरो लगा दिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 × 10 का तो 60 होता ही है, ये तो सब जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एच पार्ट है, मैं ये एक लास्ट पार्ट और बता देता हूँ कि 7 × 1 = 1 lakh, ठीक है? ये 1 lakh है, तो आपको क्या करना है, 7 को 7 लिख देना है, उसके बाद जितने भी जीरो हैं वो उसके आगे लगा देना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बाकी का जो पोर्शन है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम वही है जो चीज़ मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुका। जैसे मान लीजिए कि ए पार्ट ए है, उसमें आपको क्या करना है कि 73 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, 73 को मल्टीप्लाई करना है 30 से। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो आपको करना ये होगा कि जीरो को भूल जाना है और 73 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 73 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे करोगे, 73 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 3 = 9 और 7 × 3 = 21, तो आया कितना 219 और उसके आगे एक जीरो लगा दो, तो ये उसके आगे एक जीरो लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम वही काम इसमें करना है, जितना भी एक्सरसाइज है उसमें सेम वही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल एक और हम दो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जी, ठीक है? इसमें क्या बोला है 3, 8, 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 60।
तो आपको करना क्या है, इसका इसका आप आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर आप ऐसे निकालेंगे कि 3846 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। मैंने यही तो आपको बताया था, ठीक है, कि यही तो आपको मैंने बताया था कि आप जीरो को भूल जाएंगे और उसको सिर्फ डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ठीक है। तो अब 3846 को आप 6 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो आप 3846 को 6 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो यहाँ पे कर लो, 3846 को आप रफ 6 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ये मल्टीप्लीकेशन करना तो अब तक आपको आ जाना चाहिए। तो 6 से 36, हम लोग क्या लिखेंगे, 6 से 36 सिर्फ वंस प्लेस पे जो आ रहा है वो लिखेंगे और बाकी जो 3 होगा वो कैरी ओवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 6 को करेंगे 4 से, तो 6 4 12, 12 में हम लोग 3 कैरी ओवर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 15, तो 15 का 5 कैरी ओवर 1। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, 6 8 48 48 और एक 1 49, 49 का हम लोग लिखेंगे 9 और 4 हो जाएगा कैरी ओवर, और 6 3 18 और 18 और 4 हो जाएगा 22, जो आखिरी वाला होता है वो हम पूरा लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 22956। अब इस 22956 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है एक जीरो और आपको बस ऐड कर देना है, तो यानी 22956 0, बस इतना सा काम आप लोगों को ये करना था, ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो एक और बता देता हूँ एच, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैं कई बार बताया हुआ, जैसे एच क्या है, एच है 2469 मल्टीप्लाई बाय 40। तो इसको करना क्या है आपको, मैंने आपको क्या बोला था, नंबर को जीरो को भूल जाओ और जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो और फिर आखिर में एक जीरो लगा दो। तो ये जो मैंने अभी आपसे बोला ना, इसका मतलब क्या है कि 2469 को आपको मल्टीप्लाई करना है पहले 4 से और उसके बाद जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है एक जीरो और लगा देना है। तो 2469 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 6 9 54, कैरी ओवर 5, 6 4 24 24 और 5 29, कैरी ओवर 2, 4 4 16, 16 2 18 का 8 कैरी ओवर 1, 4 2 8 और एक 9, तो आ जाएगा 9894 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 98940, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये इजी था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तो आप लोग कर लेंगे क्योंकि ये इजी था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत ईजी है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताई हुई है एक बार कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये करना है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, डी वाला कर लेते हैं, 231 को मल्टीप्लाई करना है आपको 36। तो आप एक बात बताओ, 36 को मैंने आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या कि 30 प्लस 6? ये चीज़ भी हम लोगों ने की हुई है पहले से कि किसी नंबर को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। ये पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया है, अगर मुझे 45 44 को लिखना है तो कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, पहले नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 के आगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 पे जाओ, 40 प्लस 4, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं 36 को ऐसे लिख सकता हूँ 30 प्लस 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसके सॉल्यूशन में ऐसा हो जाएगा कि 231 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 6। उसके बाद इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आप याद करो एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। तो मल्टीप्लाई जो होता है वो इसके साथ भी चले जाएगा और इसके साथ भी चले जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 231 मल्टीप्लाई बाय 30 और प्लस 231 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये जो 231 मल्टीप्लाई बाय 30 है, ये इस तरह के क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने किए हैं कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं 60 40 30। तो इस वाले में आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और आखिर में एक जीरो लगा देना है, बस जीरो को भूल जाओ, जो बाकी बचता है उसको मल्टीप्लाई कर दो और आखिर में एक जीरो लगा देना है। और इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना है।
तो 231 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 31 जा 3, 33 जा 9, 32 जा 6, तो 693 आ गया। लेकिन यहाँ पे एक जीरो था तो एक जीरो और लगा दिया। अब यहाँ पे 231 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 जा 6, 6 3 जा 18 का 8, कैरी ओवर 1, 6 2 जा 12 और 1 13, तो आ जाएगा 1386। अब एंड में आपको क्या करना है, दोनों को करना है ऐड, तो आप ऐड यहाँ कर लो 1386, तो यह हो गया 6, 8 और 3 11, 1 कैरी ओवर 1 9, 10 10 3 13 का 3 कैरी ओवर 1 6 7 और 1 8, तो आंसर आ जाएगा आपका 8316, ये आपका आंसर हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी हो गया। अब चलो मैं आपको इस तरीके का एक एग्जांपल आपको और करके बताऊं तो कैसे होगा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ, सेट बी बी करके बताता हूँ मैं आपको, चलिए बी नहीं करता जी कर देता हूँ, ठीक है। जी में क्या बोला है, 750 × 61, कुछ नहीं करना। अगर आपने पहले के एक्सरसाइज किए हुए हैं तो ये करना बहुत इजी है। 61 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो 60+1, तो 731 मल्टीप्लाई बाय 61 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो 60+1, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे कि 731 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 730 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 731 को 60 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, तो 731 को 60 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है कि 731 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें एक जीरो और लगाना है, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 का 8, कैरी ओवर 1, 6 7 जा 42, 42 और 1 43 और एक आपने जीरो लगा दिया। ये मैंने शॉर्ट में कर दिया है, आप लोग थोड़ा सा इसको अपने आप से कर लेना सीखने से, ठीक है। और 730 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 7 यहाँ प्लस आएगा तो 730 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको ऐड कर दोगे, इसके बाद ऐड कर देना इसको और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूँ कि ये तो हो गया कि हम लोगों ने एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से कर लिया। अब जैसे हम लोगों ने कॉलम मेथड सीखा था ना वन डिजिट के लिए, वैसे ही कॉलम मेथड हम लोग सीखने वाले हैं टू डिजिट के लिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने वन डिजिट के लिए कॉलम मेथड सीखा था, वैसे हम लोग टू डिजिट के लिए भी कॉलम मेथड सीख सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम मेथड बाय टू डिजिट, तो वो कैसे होता है, वो होता है जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि जैसे मेरे को 3452 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो ये मैं कैसे करूँगा, तो देखो कैसे करना। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है 3452 और यहाँ पे लिखना है, नीचे में लिखना है 13 और एक मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और एक यहाँ पे एक ऐसा। उसके बाद आपको करना सिर्फ ये है कि जैसे आप सिंगल डिजिट नंबर में करते थे बिल्कुल वैसा ही करना है। सबसे पहले आप ये वाला जो वन है ना, ये जो वन है इस वन को भूल जाओ। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो सबसे राइट हैंड साइड से करते हैं, सबसे राइट हैंड साइड से करते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे लास्ट से हम लोग करते हैं, तो हम लोग ये वन को भूल जाते हैं अभी, ठीक है। ये वन को आप भूल जाओ, सबसे पहले आप इस थ्री को देखो और जैसे आप वन डिजिट मल्टीप्लाई करते हो सीधा सीधा आप वैसे मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 32 जा 6, 35 जा 15 होता है, 15 का हम लोग लिखेंगे सिर्फ 5 और कैरी ओवर हो जाएगा 1 कहाँ पर, यहाँ पर। फिर उसके बाद हम 34 जा 12 करेंगे, 12 में एक ऐड करेंगे तो आएगा 13, 13 का लिखेंगे 3, कैरी ओवर यहाँ पे आ जाएगा 1। और उसके बाद 33 जा 9 आ जाएगा, तो ये आ गया थ्री थ्री जा नाइन, और सॉरी थ्री थ्री जा नाइन और एक कैरी ओवर हम लोगों ने ऐड नहीं किया,
एक कैरी ओवर भी हम लोगों को ऐड करना था, ठीक है, कि 3 3 9 और एक 1 कितना आ गया 10, और जब भी आखिरी का होता है तो हम लोग 10 का 10 पूरा लिख देते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है बच्चों, कि हम लोगों को यहाँ पर जो है सेकंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो सबसे आखिरी का डिजिट है ना, इसके नीचे हम लोग 0 लिख देंगे, इसके नीचे हम लोग 0 लिख देंगे। जितने भी 1 डिजिट मल्टीप्लीकेशन होंगे, जितने भी 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन होंगे, हर जगह हम लोग ऐसे ही करेंगे। इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 0, और फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करना, सेम उसी टाइप से जिस टाइप से हम लोग करते आ रहे हैं। 1 को सबसे पहले करेंगे 2 से, तो 1 2 2, 1 को फिर करेंगे 5 से, तो 1 5 5, 1 को फिर करेंगे 4 से, तो 1 4 4, 1 को फिर करेंगे 3 से, तो 1 3 3, और उसके बाद आखिरी में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 और 0 6, 5 2, 5 और 2 7, 5 और 3 8, ये 4 और ये 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 4 8 7 6। इस तरीके से हम लोग 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो या तो आप एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से कर लो, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से करना है तो एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से करो, नहीं तो आप कॉलम मेथड से करो अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉलम मेथड यूज करना है तो, ठीक है। एक और मैं आप लोगों को जो है वन डिजिट का एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे करना है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आप लोगों को एच वाला पोर्शन बताया था ना, पोर्शन नंबर 1 का एच मैंने आप लोगों को एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से बताया था, अभी मैं आपको कॉलम मेथड से बताता हूँ। तो इसमें 7 6 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 9 से, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग सिंपल 2 को भूल जाएंगे और सिर्फ 9 को देखेंगे, और जैसे हम लोग 1 डिजिट का मल्टीप्लाई करते आते थे वैसे ही करेंगे। तो 9 6 54, 54 का हम लोग लिखेंगे सिर्फ 4, कैरी ओवर हो जाएगा 5। 9 6 या 6 9 जो भी कर लो, 54 और 5 कितना हो जाएगा 59 के लिखेंगे 9 और कैरी ओवर हो जाएगा 5। और 7 9 63 और 63 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 68। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग एक 0 लगा देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत भूल जाना 0 लगाना। फिर उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 6 12 12 का 2, कैरी ओवर 1, 2 6 12 12 और 1 13, 13 का 3, कैरी ओवर 1, ठीक है, और 2 7 14, 14 और 1 15। अब उसके बाद हम लोग आखिर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करके क्या आएगा 4 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी ओवर 1, 8 और 1 9, और 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 6 1 7, 7 और 5 12, 2 2 2 1 4, 2 2 2 1 4, 2 6 9 0 3 0, ठीक है, 4 9 2 11 का 1 8 9 3 6 7 7 5 12, 2 2 2 1 4। तो इस टाइप से आप लोगों को जो है 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में भी हम सेम वही काम करते हैं जो हम 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, बस आप ध्यान में रखना कि सेकंड स्टेप में हम लोग शुरुआत करते हैं 0 से। आप यहाँ पे 0 की बजाय जो है ना मल्टीप्लीकेशन का साइन भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर लीजिए, आप 0 का साइन लगा लीजिए, चलिए मल्टीप्लीकेशन छोड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ 0 का साइन लगा लीजिए। अच्छा, अब आप ये कह सकते हो कि हम लोग आखिर में 0 का साइन क्यों लगाते हैं, लगाते इसलिए हैं क्योंकि वो आपको एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लोग 61 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक बार हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 से, एक बार हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, ओके। तो जब हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिर में हम लोग एक नंबर लगा, एक 0 लगाते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम काम वही कर रहे हैं, 29 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक बार हम लोग 20 से यहाँ पे हम लोग एक बार 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बार 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये जो 20 का जीरो है ये जीरो ही हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, 9 से तो हम लोग मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं और उसके बाद हम लोग 20 का ये जो आखिरी का एक जीरो है वो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से कैसे करना है या फिर नॉर्मल कॉलम मेथड से कैसे करना है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बाकी यही आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। एक्सरसाइज 3.5 इज फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच।